अब रायपुर से खबर, आज डिप्टी सीएम अरुण साव का जन्मदिन है। गृह जिला और निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच रहेंगे, जनता के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सुबह 8:30 बजे के आसपास वृद्ध आश्रम में सौजन्य भेंट होगी, मुलाकात होगी। सुबह 9 बजे रतनपुर में माँ महामाया मंदिर में भी दर्शन करेंगे। बिलासपुर के कोटा जाएंगे, नगर पंचायत कोटा के निर्माण का लोकार्पण करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, उसमें भी शामिल होंगे। तो शाम 4 बजे लोरमी भी जाएंगे, कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का जन्मदिन है, जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच सेलिब्रेशन का ये उत्सव मनाएंगे। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ बनी हुई हैं। करिश्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए वो खुद जनता के बीच रहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच निर्वाचन क्षेत्र में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है, विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा, लोकार्पण भी करेंगे। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के 2 मुख्यमंत्रियों में से देखा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, आज उनका दौरा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। साथ ही में देख सकते हैं कि उनके गृह क्षेत्र में ये जो है उनका दौरा रहने वाला है। सबसे पहले देखा जाएगा कि बिलासपुर मुंगेली तरफ जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का ये जो दौरा है वो प्रस्तावित है, जिसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि वो मुंगेली पहुंचने के बाद जो है वृद्ध आश्रम में जो है अपना जन्मदिन मनाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही में जनों से यहाँ पर चर्चा करते नजर आएंगे, उनका आशीर्वाद लेते हुए जो है उप मुख्यमंत्री साव नजर आने वाले। इसके पश्चात देखा जाएगा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव का वहीं पर जो है कई सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर जो है दौरा रहने वाले। इसके साथ छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रतनपुर में माँ महामाया का मंदिर है, वहां पर जो है दर्शन लेने अपने जन्मदिन पर जो है उप मुख्यमंत्री साव पहुंचने वाले। इसके बाद देखा जाएगा कि कोटा में नगर पालिका कोटा का जो है यहाँ पर जो है लोकार्पण करते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आने वाले। इसके बाद हम देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री साव जो है विभिन्न जगहों पर और भी दौरे करते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहां पर भी लोकार्पण करते नजर आएंगे, विकास कार्यों की सौगात देते नजर आएंगे। तो जन्मदिन के दिन भी देखा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है जनता के बीच रहने वाले हैं, उनसे जुड़ने वाले हैं, बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद लेने वाले हैं, माता के दर्शन करने वाले हैं और तमाम जगहों पर जो है विभिन्न कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो साफ तौर पर ये जो उनका जन्मदिन है कहीं ना कहीं जनता के बीच मनने वाला है, साथ ही में जनता को भी उनके इस जन्मदिन से कई सौगातें जो है वो मिल सकती हैं। बिल्कुल, तो जन्मदिन पर सीधा संवाद, जनता से जुड़ाव, वृद्धजनों का आशीर्वाद तो महत्वपूर्ण है। आज उनका जन्मदिन है, दौरा भी खास है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।